दोस्तों, डोरेमन कार्टून आप लोगों में से कई लोगों का पसंदीदा कार्टून रहा होगा। ये कार्टून जितना देखने में मज़ेदार थी, इसके पीछे की कहानी उतनी ही दर्दनाक थी। शायद इसलिए आज तक इस कार्टून की आखिरी एपिसोड नहीं बनाया गया। एक जापानीज न्यूज एजेंसी के मुताबिक 1969 में जापान के एक छोटे से शहर में एक खुशहाल परिवार रहा करता था। इस परिवार में नोबिता सबसे छोटा और प्यारा बच्चा था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नोबिता को सिनोफोबिया नाम की एक बीमारी थी, जिसके कारण वह सही तरीके से सोच नहीं पाता था और इसी वजह से वह पढ़ाई में भी कमज़ोर था और उसके दोस्त लोग उसे आलसी और बेवकूफ़ समझते थे। और तो और, उसके साथ स्कूल में भी बुरा बर्ताव किया जाता था, जिससे उसकी काफ़ी बेइज्जती होती थी। शायद इसी वजह से वह अपने आप को अकेला महसूस करने लगा था और हमेशा उदास रहा करता था और अपने मन ही मन सोचता रहता था कि शायद मेरा भी कोई दोस्त होता तो वह मेरी मदद करता और शायद हम अकेला महसूस नहीं करते। दोस्तों, एक बार की बात है, नोबिता एक बार अपने घर में अकेला बैठा था और वह अपने आप के बारे में सोच रहा था और सोचते सोचते उसने एक टेडी बियर के आकार का एक गैजेट बनाया और उसका नाम रखा डोरेमोन। और दोस्तों, क्योंकि उसे एक बीमारी थी जिसके कारण उसे लगता था कि डोरेमोन असल ज़िंदगी में कोई गैजेट है और इसके साथ वह खेलता रहता है और अब वह हमेशा खुश रहने लगा था। समय बीतता जाता है और अब नोबिता समय के साथ 16 साल का हो जाता है। लेकिन फिर एक बार उसके पिता को यह लगता है कि शायद नोबिता की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, जिसके बाद वह उसे एक डॉक्टर के पास ले जाते हैं, जहां से नोबिता को यह पता चलता है कि डोरेमोन कोई असल ज़िंदगी में गैजेट नहीं है, जिसके सुनने के बाद वह काफ़ी नाराज हो जाता है और एक बार फिर से वह अब अपने आप को अकेला महसूस करने लगा था और समय के साथ वह और भी ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है। और एक दिन वह अपने पिता के बंदूक से ही अपने आप को शूट कर लेता है और उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सभी को काफ़ी दुख पहुंची होगी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि डोरेमोन कार्टून एक काल्पनिक कार्टून है जिसका इस दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। और तो और दोस्तों, इस कहानी में दिखाए गए नोबिता की करेक्टर भी काल्पनिक है जिसका इस दुनिया से कोई भी लेना देना नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यह कहानी पूरी तरह से फेक है, क्योंकि डोरेमोन कार्टून तो पूरी तरह से काल्पनिक है। लेकिन दोस्तों, इस कहानी की लोकप्रियता काफ़ी हद तक बच्चों से मिली। और अगर आप सभी को यह पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि इस कार्टून को एक जापानीज कार्टून क्रिएटर फुजिको एफ फुजिको ने बनाई थी, जो कि उम्मीद से ज़्यादा लोकप्रिय हो गई। तो दोस्तों, यह थी डोरेमोन कार्टून की असली कहानी। और दोस्तों, इस वीडियो के अंत में मैं आप सभी को यही बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ सच्चाई को दिखाना है। अगर अगली बार से आप सभी को कोई ऐसी वीडियो मिले तो प्लीज़ उस पर यकीन मत कीजिएगा। तो दोस्तों, आप सभी को इस वीडियो को देखने के बाद डोरेमोन कार्टून की सच्चाई के बारे में पता चल ही गया होगा। और दोस्तों, अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जल्द ही मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ।